नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतनसेन भारती। पंचायत चुनाव के एक नए अपडेट के साथ एक बार फिर हाजिर हैं हम। आज हम बात करेंगे पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने एक नया दिशा निर्देश जारी किया है। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। आपको बता दें कि बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर तारीखों की घोषणा की जा सकती है, जिसको लेकर बिहार निर्वाचन आयोग ने संकेत दे दिए हैं। पंचायत चुनाव को लेकर आयोग ने एक दिशा निर्देश जारी किया है, जिसके अनुसार चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद ग्रामीण इलाकों में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो जाएगी। इस दौरान कौन कौन सी योजनाएं जारी होंगी और कौन सी योजनाएं शुरू नहीं होंगी, इन सारी चीज़ों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने दिशा निर्देश जारी किया है। इस दिशा निर्देश के अनुसार नए सिरे से मुख्यमंत्री ग्रामीण निश्चय योजना, मुख्यमंत्री गली नली पक्कीकरण निश्चय योजना, 15वें वित्त आयोग में प्राप्त निधि से पंचायती राज संस्थानों द्वारा संचालित योजनाएं एवं ग्रामीण क्षेत्र में सोलर स्ट्रीट लाइट योजना अगर पूर्व से स्वीकृत है और जिनका क्रियान्वयन शुरू हो गया है, उन पर रोक नहीं रहेगी। लेकिन नए सिरे से इस योजना की स्वीकृति एवं पूर्व से भी स्वीकृत परंतु जिन योजना पर काम शुरू नहीं हुआ है, उन योजना पर काम शुरू नहीं हुआ है, उसे रोक रहेगी। इसके अलावा अन्य सभी नई योजनाएं जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसमें पंचायती राज संस्थानों के प्रतिनिधियों की प्रत्यक्ष या फिर परोक्ष भूमिका हो, इन्हें भी उपयुक्त सिद्धांतों के आधार पर ही प्रारंभ और क्रियान्वयन नहीं किया जाएगा। जारी दिशा निर्देश में यह भी कहा गया है कि राष्ट्रीय उच्च पथ एवं राज्य के मुख्य पथों पर काम करने में कोई पाबंदी नहीं होगी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा के अंतर्गत पूर्व से चल रही योजनाओं के क्रियान्वयन पर भी कोई पाबंदी नहीं होगी। निबंधित लाभार्थियों के लिए भी ओबीसी कोई योजनाएं निर्वाचित पदाधिकारी को सूचना देकर आरंभ की जा सकेगी, जो स्वीकृत योजना की सूची में पहले से लिस्टेड हैं। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं आदि से स्वीकृत वित्तीय सहायता के आधार पर योजनाओं की स्वीकृति तथा उसके क्रियान्वयन पर कोई पाबंदी नहीं रहेगी। इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि आपात योजना जैसे कि बाढ़ निरोधक योजना, सूखा अथवा अभावग्रस्त क्षेत्र से संबंधित योजनाओं आदि के पंचायत चुनाव के दौरान प्रारंभ रहने पर कोई पाबंदी नहीं रहेगी। बिहार निर्वाचन आयोग ने विकास योजनाओं का मतलब बताते हुए कहा है कि विकास की सामान्य योजनाओं से है, ना कि किसी सामुदायिक विशेष से संबंधित विकास योजनाओं से। ग्रामीण क्षेत्र में सामान्य योजनाओं से मतलब है कि सड़क, शिक्षा, पेयजल, स्वास्थ्य, विद्युतीकरण, महिला एवं बाल कल्याण इत्यादि से संबंधित योजनाओं से है। किसी विशेष समुदाय के लिए जैसे कि छात्रावास, विद्यालय भवन का निर्माण या फिर अन्य प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं सामान्य विकास की योजनाओं के तहत नहीं आएंगी, तथा निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने पर ग्रामीण क्षेत्र में ऐसी योजनाओं के क्रियान्वयन, शिलान्यास तथा उद्घाटन पर पूर्ण रूप से पाबंदी रहेगी। इसी तरह से आंगनवाड़ी केंद्रों की सेविका और सहायिका के चयन से भी पूरी तरह से इसे एक तरह से कहें कि रोक रहेगी। इसमें ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों की प्रत्यक्ष भूमिका होती है। आपको बता दें कि बिहार में इस साल होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर इस माह के अंत तक बिहार पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान होने की संभावना है, जिसको लेकर बिहार निर्वाचन आयोग ने ईवीएम के साथ ही बैलेट बॉक्स के इंतजाम कर लिए हैं। बिहार निर्वाचन आयोग धीरे धीरे पंचायत चुनाव को लेकर अपडेट जारी कर रहा है। तो ये थे पंचायत चुनाव को लेकर एक नया दिशा निर्देश। पंचायत चुनाव को लेकर और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।